जनपद नैनीताल के हल्द्वानी में महिला कांग्रेस के 40वें स्थापना दिवस के मौके पर स्वराज आश्रम में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सदस्यता अभियान चलाया और इस अभियान के दौरान सैकड़ों महिलाओं को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। वहीं जय कर्नाटक की अध्यक्षता में महिला कांग्रेस का स्थापना दिवस केक काटकर मनाया गया। इस दौरान महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महिला सुरक्षा और जन कल्याणकारी नीतियों को लेकर सड़क से सदन तक संघर्ष करने का संकल्प लिया। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। तो 1984 आज से ठीक 40 वर्ष पहले हमारी देश की प्रथम प्रधान मतलब महिला प्रधानमंत्री और भारत रत्न स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने इसकी स्थापना की थी और आज इसे पूरे 40 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। 40वां हम मनाने जा रहे हैं तो इसी उपलक्ष्य में आज हम सभी जो महिलाएं राहुल गांधी जी ने ये एक वेबसाइट महिला कांग्रेस द्वारा एक वेबसाइट जारी करी है जिसके माध्यम से पहली बार एक वेबसाइट के जरिए उनकी सदस्यता ग्रहण कर दी जाएगी और जो भी महिलाएं इस हमारी कांग्रेस पर महिला कांग्रेस में आती है उन सभी का हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। उपलक्ष्य में हम इसको बड़ी खुशी से सारी महिला बहनें मिलकर मना रही हैं। ऊपर से हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी के निर्देश पर और प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला जी ने उनके निर्देश पर हम यहाँ सब महिलाएं बहनें मिलकर इस कार्यक्रम को कर रही हैं। हमारा आज सदस्य अभियान जो चल रहा है उसका उद्देश्य है सभी महिलाओं को सदस्यता दिला करके कांग्रेस में उत्साहित होकर महिला बहनें आ रही हैं और कांग्रेस के सदस्य बढ़ेंगे और महिला सदस्य बढ़ेंगी और आज महिला सुरक्षा भी इससे होगी, पता चलेगा कि महिला कितनी जागरूक है और इस सदस्यता का अभियान हम खुशी खुशी चला रहे हैं। 40वां महिला स्थापना दिवस यहाँ पे है। 15 सितंबर 1984 को हमारा स्थापना दिवस हुआ था और सबसे पहला स्थापना दिवस हमारी महिला जो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी थी प्रधानमंत्री जी ने एक इकाई कांग्रेस से हटके तो एक महिला गठन किया था। उसमें जो हमारी सबसे पहली राष्ट्रीय अध्यक्ष थी वो एनी बेसेंट थी, फिर उसके बाद सरोजनी नायडू रही, इंदिरा गांधी जी रही, सोनिया गांधी जी रही हमारी। तो इस तरह से हमारा सिलसिला जारी रहा, प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते रहे। 37 हमारे यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारी कांग्रेस में और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में कांग्रेस इस तरह से चाहती है कि महिलाएं बढ़ चढ़ के राजनीति और सामाजिक क्षेत्र में आगे आएं। तो महिला कांग्रेस आज स्थापना दिवस यहाँ पे अलका लांबा जी जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हमारी प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला जी है उनके दिशा अनुसार हम लोग यहाँ पे एक महिला अभियान चला रहे हैं।